Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. I hope कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. फिर आज सुबह सुबह का टाइम है और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और जस्ट मैं जो थी वो अस्मारा को स्कूल भेज रही थी, तो मैंने कहा जल्दी से जो है वो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को जो है वो जो मैंने बनाई हैं उससे कैप्चर करके थोड़ा सा दिखा दूँ ना. तो बस ऐसा ऐसा हो रहा था. और असल में मैंने आज थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि अस्मारा को मुझे तैयार करना था. क्यों तैयार करना था? क्योंकि उसकी ना आज यहाँ पर फाशिंग होती है ना, कार्निवल जिसको कहते हैं, तो आज इसकी वो थी. तो वो उसने स्पेशल जो है वो इसके लिए कॉस्ट्यूम लिया था. तो मैंने कहा कि फजूल में मैं क्यों ऐसा करूँ कि जैसे एक्स्ट्रा कुछ खरीदूँ. लास्ट टाइम इस्माइल के लिए दिया था, उसने स्पाइडरमैन का लिया था और हार्डली बच्चे जो है ना सिर्फ एक दफ़ा पहनते हैं और फिर यूज़ भी नहीं रहता. तो फिर मैंने ऐसा ले लिया था कि ये बाद में भी पहन सकती है. तो प्रॉपर तैयार हो चुकी थी क्योंकि आज के दिन बच्चों को तैयार होने की परमिशन होती है. तो जस्ट उसने जो है वो तैयार होकर और उसके साथ जो उसका यूनिकॉर्न का लिया था, एक्चुअली इसको बड़ा यूनिकॉर्न इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसका उसने ड्रेस दिया था और वो यूनिकॉर्न बनी थी. बच्चे ना इस तरह की और ये इस तरह से जाने का टाइम होता है कि वो कब जा रही होती है. तो ये वो वीडियो है जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई. और जाते तो ये लोग हस्बैंड के साथ ही हैं, वापसी पर मैं लेकर आ जाती हूँ. इस्माइल जो है वो एक ख़ास स्टेशन पे हस्बैंड उन लोगों को ड्रॉप कर देते हैं, उसे ड्रॉप कर देते हैं और अस्मारा को उसके स्कूल तक करते हैं. तो जस्ट फिर उन लोगों के जाने के बाद जो है वो थोड़ी देर के लिए मैं हल्का फुल्का सामने से क्लीन कर देती हूँ क्योंकि उन लोगों को लंच देना होता है, और फिर उसके बाद मैं जाकर थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ. तो ये मेरी रूटीन होती है. अब यहाँ पर जो है वो मैं उठ चुकी हुई थी और क्योंकि मुझे अस्मारा को लेकरने के लिए जाना था और सिंपल मैंने अपने सीरियल बनाया. और आज इतना प्यारा मौसम हो रहा था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा था आज का वेदर ना, और बहुत ही प्यारा. मतलब यहाँ पर तो मैं जैसे कि पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये जो वेदर होता है इसको बहुत अच्छा समझा जाता है क्योंकि ज़्यादातर ना यहाँ पर जो है वो रेनी हाल होता है ना, मतलब रेनी होता है या बहुत ज़्यादा क्लाउडी होता है, इस तरह से रहता है. तो व्यक्ति कुछ सालों से होने लगा है इस तरह का मौसम, और अब तो यहाँ पर गर्मियाँ भी पड़ती हैं. फिर बस अस्मारा के स्कूल पहुँच चुकी थी और उसको जो है वो मैंने पिक किया यहाँ से. और आज क्योंकि बच्चों को ना नॉर्मल बैग ले जाना नहीं था, आज बस पार्टी पार्टी थी. मुझे अपना वक्त याद आ रहा था, हम लोग के स्कूलों में तो स्पेशली ईद मिलन पार्टी हुआ करती थी और यही ज़्यादा एक्टिविटी थी इतने छोटे टाइम पर. तो उसके बाद तो फिर वो बहुत सारे फंक्शंस, टैबलोज, स्पोर्ट्स डे, इस तरह की चीज़ें होती थी. वो देखिए बच्चा एक बहुत क्यूट है और वो जो था वो पुलिस बना हुआ था, मतलब मुख्तलिफ जिसको जो कैरेक्टर पसंद है वो अपने हिसाब से कैरेक्टर चूज़ कर ले. और यहाँ पर फिर मैं वही अस्मारा से बातें कर रही थी कि अस्मारा तुमने किस तरह से परफॉर्म किया, थोड़ा सा तो मुझे परफॉर्म करके दिखाओ यूनिकॉर्न की ना. तो वो यूनिकॉर्न बन रही थी ना, और बस ऐसे ही था. इसमें सोचा मैंने नीचे ना इसकी लेगिंग्स पहना दो, लेकिन उसको था कि नहीं मामा थोड़े कलरफुल सा है मेरा ड्रेस, तो नीचे जो है वो आप इस तरह से जो उसका टाइट्स हैं उस तरह की चीज़ पहना देना. तो जस्ट मैं बस इससे थोड़ी सी फ़न कर रही थी और उससे बोल रही थी कि मुझे तुम बताओ कि कैसा रहा वहाँ पर स्कूल में, कौन क्या बना था. तो मुख्तलिफ ये बता रही थी. और इसने अपनी फ्रेंड जो इसकी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है रियाना, उसका बता रही थी कि मामा वो तो वो बनी थी ना जैसे बहुत ही नॉटी गर्ल ना, तो वो मुझे इतना कह रही थी इस तरह से ना. तो मैंने कहा बेटा वो उसके कैरेक्टर में थी. तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी ख्वाहिशें बच्चों की. वैसे तो मैं इतनी इस चीज़ को लाइक नहीं करती कि बच्चे फिर बहुत आदि हो जाते हैं कि अब हर वक्त कोई ना कोई आपके पास कोई चीज़ आए, ओकेजन आए और बच्चे कहें कि बस इसके लिए ये ख़रीदना है, उसके लिए ये ख़रीदना है. इस दफ़ा मैंने इसीलिए सोच के ना जानबूझ के इस तरह की फ़्रॉक ली कि ये बाद में भी पहन सकती है ना, क्योंकि एक दफ़ा इस्माइल ने बड़ी ज़िद की थी और उसके ज़िद करने पर मैंने ले तो लिया था, बाद में मुझे इतना अफसोस हुआ कि मुझे नहीं लेना चाहिए था ना. और क्योंकि वो ना क्या होता है कि बच्चे आप लोगों को पता है ना बिल्कुल साइज़ उनका फ़ौरन से चेंज होता है ना, तो कोई मतलब यूज़लेस चले जाती हैं वो चीज़ें. और वो ऐसी कॉस्ट्यूम टाइप की चीज़ें तो आप दोबारा पहन भी नहीं सकते. अब यहाँ पर ये जो फ्रॉक थी इसका एक एडवांटेज ये था कि आप इसको बाद में भी जो है वो पहना सकते हैं बच्चों को, और बहुत अच्छी सी थी. साइज़ मुझे एक और इसमें बड़ा लेना था, यूजुअली मैं एक साइज़ बड़ा ही लेती हूँ बच्चों का, लेकिन हुआ ये कि साइज़ इसमें लास्ट साइज़ यही अवेलेबल था क्योंकि इसमारा 7 ईयर्स की है और 8 ईयर्स तक का था, लेकिन मैं ना अब 8 की हो जाएगी अप्रैल में ना, तो फिर मैंने 8 वाला लिया, लेकिन 9 का जो है वो 9 लेना चाहिए था. और यहाँ घर आ चुके थे हस्बैंड, थोड़ा सा वो लेकर आ गए थे इस तरह की ना हलाल जगह से जो है वो फ्राइड चिकन लेकर आ गए थे. और कभी कभार के लिए ठीक लगती है, और पता नहीं क्या होती है ये वाली इतनी हैवी होती है ना कि आपसे इतनी खाई भी नहीं जाती.
एक पीस ही आपके लिए बहुत होता है। वैसे इस्माइल की बर्थडे जब हुई थी उस वक्त मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो मैंने ये वाला बनाया भी था ना, लाइक ये वाली चिकन KFC स्टाइल चिकन बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। इंशाल्लाह कभी मैं दोबारा आप लोगों से जो है वो उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और यहाँ पर बनने जा रही है ब्रोकली पुलाव, जिसके लिए कुछ ब्रोकली ली थी, एक ब्रोकली स्टॉक था और उसको पानी में भिगो कर रख दिया था। और यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का मैंने अनियन स्लाइस कर लिया था और कुछ 3 to 4 क्लव्स थे गार्लिक के। और यहाँ पर कुछ मसाले हैं जो कि इसमें जाएंगे। इसमें 3 मैंने बड़ी इलायची ली थी, 3 to 4 लॉन्ग है, 4 to 5 जो है वो ब्लैक पेपरोनी है, 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा होगा, 1 स्टॉक आपके पास आपको नज़र आ रही है 1/2 इंच की सिनेमन है, और बे लीव्स थी 3 to 4, और 1.5 टीस्पून के करीब जो था वो इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून हल्दी, और 1.5 टीस्पून मिल्के 2 स्पून कर लें आप, 2 टीस्पून कर लें कोरिएंडर पाउडर था, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या किया, जो जो खड़े मसाले थे उनको अब मैंने रोस्ट किया हल्का सा ऑयल में, गरम ऑयल में, ताकि उसकी एक बहुत अच्छा उसका अरोमा आता है ना। और फिर उसके अंदर 1 मीडियम साइज़ जो मेरे पास अनियन थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैं अनियन को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, मुझे हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा रखना है। और जैसे ही अनियन थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट सी हो जाएगी, फिर इसके अंदर जो है वो मेरे 3 to 4 क्लव्स, वो भी मैंने ऐड किया था, वो मैंने इधर शो नहीं किया आपको, वो डाला था, ठीक है, गार्लिक क्लव्स। उसके बाद फिर मैंने अपने सारे मसाले डाले जो भी थे, जो भी मेरे पास मैंने आपको भी दिखाए थे, मतलब बेसिक ही मसाले इसमें डलते हैं, बस असल चीज़ तो पुलाव में आपको पता है ना, खड़े मसाले जो होते हैं ना, जो लौंग है, इलायची है, ये सब का, और सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा, और थोड़ी देर के लिए आप इसको सॉटे करेंगे, और इसके बाद जो है वो मेरे पास जो ब्रोकली पड़ी हुई थी वो ब्रोकली डालूंगी। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप सभी जानते होंगे कि ब्रोकली को बहुत कम टाइम लगता है, और जब आप बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो उसकी अपने न्यूट्रिएंट खो देती है वेजिटेबल्स ना, तो हार्डली 3 to 4 मिनट में मुझे हल्का सा इसको सॉफ्ट सा करना है, क्योंकि ये अभी जब मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी फिर ये दोबारा दम पे भी पकेगी, तो इसलिए मैं हल्का सा इसको सॉटे करूँगी ऊपर नीचे, कि मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो इसके अंदर ऊपर नीचे रच बस जाए। अच्छा, सॉल्ट जो है वो आपने अपने हिसाब से डालना है, मिर्चें आपने जो रेड चिली पाउडर है वो भी आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, क्योंकि मैं इसमें ग्रीन चिलीज भी डालूंगी ऊपर से ना, और ये भी ऑप्शनल है, क्यूब्स लेकर आई थी मैं कनोर के, पाकिस्तान से लेकर आई थी, तो मैं पैक ले लेती हूँ वहाँ से ना, तो 1 क्यूब मैंने डाला था, ये भी ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, वैसे भी बहुत मज़े की लगेगी ये। और सिंपल मेरे पास फ्रोज़न कुछ पीस पड़े हुए थे, मटर थे, वो मैंने डाला है इसके अंदर। वैसे नॉर्मली जो ब्रोकली पुलाव है इसमें मटर नहीं डलती, लेकिन वही वाली बात है, आप अपनी तौर से वेरिएशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर वॉश्ड एंड पील्ड और उसके सारे स्किन उतरी हुई, मुझे जो है वो कुछ श्रिम्प्स थे मेरे पास पड़े हुए, इससे टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, यमी सा ना, तो ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया, अराउंड 1/2 कप के अराउंड होगा, ठीक है, अगर है तो डाल दें, नहीं है तो नहीं डालें। मैंने जो वो डाला है क्यूब्स, आप लोगों को पता होगा उसका अपना ही टेस्ट इतना मज़े का होता है कि वो चेंज हो जाएगा। कभी कभार मैं बिल्कुल सादा बनाती हूँ जिसमें कोई श्रिम्प्स नहीं होता, कोई क्यूब्स नहीं होते, और बस इसी तरह से। अच्छा, चावलों को जितनी देर पहले से भिगोएंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, सभी को पता होगा, तो चावल मैंने भिगो कर रख दिए थे और जस्ट चावलों को उसके अंदर मिक्स किया, और उसके अंदर गर्म पानी जो है वो मैंने, जो मेरे पास वाटर कुकर था उसके अंदर मैंने डाला। ऑयल मैंने बहुत कम रखा है, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है बिल्कुल भी ऑयल नहीं है इसके अंदर, मतलब इतना तो ऑफकोर्स जब आप कोई पुलाव वगैरह बनाएं, बल्कि इससे ज़्यादा लोग डालते हैं तो वो तो होता ही है ना लाजमी, और बहुत ही यम्मी बनती है ये, और बहुत जल्दी तैयार होती है, मतलब सब कुछ कटे बटा है आपके पास, तो हार्डली 15 to 20 मिनट्स में ही भी बन जाएगी, अगर सब चावल आपके राइस जो हैं वो सोख हुए हुए हैं और सब कुछ प्रॉपर में। अच्छा, ऊपर से मैंने ग्रीन चिलीज डाली थी, कुछ धनिया पत्ती डाल दी थी, थोड़े बहुत मेरे पास मिंट लीव थी वो डाली थी, और ये देख सकते हैं ये इसकी फाइनल लुक है, और मैंने ये दो दही वाला जो सलाद होता है आप उसके साथ इसको खाएं, बहुत ही मज़ा, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है ना, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने सोचा था हर अल्टरनेट डे में व्लॉगिंग व्लॉग्स डालूंगी, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा वो नहीं होता, व्यूज़ नहीं होते, तो फिर मैंने सोचा चलो दो दिन का डाल देती हूँ। फिर असमारा को ले जाने का टाइम था, और आज फिर से वेदर बहुत खूबसूरत था, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इधर पे, मतलब बहुत ज़्यादा ना, इसमें इस तरह का वेदर होता है ना तो आपका मूड जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। पहले हम लोग का पाकिस्तान में ऐसा होता था कि जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही और फिर बारिश होती थी तो मूड अच्छा हो जाता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है,
वो होता है ना कि वक्त और हालात उस हिसाब से आपके मूड स्विंग्स और सब कुछ चेंज होते रहते हैं। तो मुझे अब ये लगता है कि नहीं, जब आपके पास आप एनर्जेटिक फील करते हो जब आपके पास सूरज निकला हुआ होता है। और फिर मैं अब घर आ चुकी थी स्मारा को लेकर, और मैंने कहा वही चीज़ दोबारा क्या दिखाऊँ मैं। सिंपल मैंने एक प्लेन केक बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि मेरे घर मेरी जो भाभी थी जो करीब जिनके घर से खाना आया था पाए वगैरह ना, तो मुझे बस एक टेंशन हो जाती है कि जब किसी के घर से आता है तो मुझे उनके घर वापस भेजना था, उनके बर्तन आकर रखे हुए थे ना। तो बस फिर मैंने हल्का सा सोचा कि थोड़ा सा ट्राइफल बना लूँगी और मीठे में, और जस्ट मैंने हलीम बनाई थी क्योंकि लोगों को बहुत पसंद है मेरी हलीम, हलीम बनाई थी। और मैंने शाही बादामी कोरमा बनाया था जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। यहाँ पर मैंने दोबारा इसलिए नहीं दिखाया आप लोगों को क्योंकि आपको पता है कि जब इस तरह के कोई काम होते हैं तो फिर आपको जल्दी जल्दी करना होता है। और ये ऑलरेडी मेरे चैनल पर हलीम की भी रेसिपी है, और आप इसका टेक्स्चर चेक करें हलीम का, कितना ज़बरदस्त और रेशे वाली बनती है। इसकी टेक्निक यही है कि मैं ये ना पाकिस्तान से दाल घुटनी लेकर आई थी और इसको बहुत देर के लिए ना चलाती हूँ मैं, तकरीबन 1.5 घंटा तो सिर्फ इसको दम पे रख कर और इस तरह से मैं इसको चलाती हूँ, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत अच्छे से रेशे बनते हैं। और यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं आप, ये मेरी नेबर जो हैं, मेरी बंगाली जो नेबर्स हैं जो अपने देसी लोग हैं, उनके घर में जब भी कुछ अच्छा बनाती हूँ तो उनको भी ज़रूर देती हूँ ना कुछ भी। मेरी फ्राइडे की बिरयानी है, उन लोगों को बहुत पसंद आती है हम लोग के ना खाने, स्पेशली बिरयानी वगैरह ना। तो बस यहाँ पर घर के लिए कुछ टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ मैं ऐसा करती हूँ, तंदूरी चिकन जो है वो मैरिनेट करके रख देती हूँ। सिंपल मैंने अपने मसाले डाले, कभी मेरे पास अगर शान का मसाला होता है तो मैं वो भी डाल देती हूँ, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये सब डाला मैंने इसके अंदर, सॉल्ट डाला था मैंने इसके अंदर, कुटी लाल मिर्च डाली थी, अच्छा कुटा ज़ीरा, अगर आपके पास ज़ीरा और आपके पास ज़ीरा और क्या कहते हैं कोरिएंडर आपके पास है तो आप मोटा मोटा सा पीस भी सकते हैं उसको ना, उससे ज़रा लुक अच्छी आती है। और सिंपल यहाँ पर जो है वो मैंने लेमन डाला है जो कि आप देख सकते हैं, आपके पर डिपेंड करता है आप कितना खट्टा पसंद करते हैं। इसके अंदर मैं अजवाइन भी लाजमी डालती हूँ ना, बहुत अच्छा रहता है ना अजवाइन जो होती है, और वैसे आप लोग को पता होता है स्टमक के लिए भी हमारे बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर तकरीबन हाफ लेमन, हाफ के करीब मैंने लेमन डाला है। और यहाँ पर मेरे पास दही, मैंने योगर्ट डाला था, और योगर्ट अगर हो सके तो आप वो जो बिल्कुल थिक वाला होता है वो यूज़ करें क्योंकि अगर पानी वाला डालेंगे तो वो पानी छोड़ता है ना। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ज़रूर डालना है आपने ना, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और योगर्ट डाल के नमक सॉल्ट टेस्ट जाएगा, ज़ीरा और वो सब कुछ जितने भी चीज़ें, ज़ीरा हो गया, अजवाइन हो गया, सब खड़े खड़े जाएंगे और इनको बहुत अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके आपने इनको लाइक उसको मिक्स कर देना है। मैं भी अपने हैंड्स यूज़ कर रही हूँ, मेरे हैंड्स बिल्कुल वॉश हैं, आपको पता है घर में जब आप काम करते हैं तो सब चीज़ें होती हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर 1 to 2 tablespoons मैंने इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल भी डाला है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको फ्रिज में जाकर, मुझे होता है ना कभी कभार दिल नहीं चाहता कुछ करने का तो मैं फ्रिज में डाल के ना इसको रख देती हूँ, जब कुछ भी नहीं पकाने का दिल चाहता है जस्ट इसको निकालती हूँ और उस टॉर्टिला रैप के ऊपर रख कर और इस तरह से कुछ कबाब टाइप का बनाती हूँ। कुछ इसमें से मैंने निकाल लिया था और मैंने सोचा क्योंकि तंदूरी चिकन को इस तरह से भी बनाते हैं, इसके अंदर ऑयल वॉयल सभी कुछ है, उसको मैं पहले तेज़ आँच पर और उसके बाद धीमे आँच पर करके रख दिया था, दम पे बना लिया था। और कुछ जो था वो मैंने इसको फ्रीज करके रख दिया था क्योंकि अभी बड़ा दिल चाह रहा था, मसाला लगा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा भी बना लिया। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।